इस कहानी की शुरुआत में हम मलिकिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी स्टोरी बुक में से बंजी नाम के एक रैबिट की कहानी सुनाती है। मलिकिया बताती है कि एक बार एक सांप ने बंजी को सही रास्ते से भटकाने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते ही बंजी के दोस्तों ने उसे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। इसके बाद मलिकिया अपनी स्टोरी बुक को बंद कर देती है और मॉरिस नाम के एक कैट की कहानी सुनाने लगती है। मॉरिस एक बोलने वाला कैट था और जिस गाँव में रहता था वहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में चूहे थे, जिसकी वजह से गांव वाले चूहों से परेशान थे। एक दिन गांव वाले मॉरिस से गांव के सभी चूहों को किसी तरह गांव से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। गांव वालों की बात सुनकर मॉरिस उन्हें बताता है कि यह काम सिर्फ एक इंसान कर सकता है, और वो अपने पीछे इशारा करता है। मॉरिस के पीछे केत नाम का एक लड़का था जो बांसुरी बजा रहा था। केत के बांसुरी की आवाज़ सुनकर गांव के सारे चूहे केत के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। केत अपनी बांसुरी की धुन की मदद से गांव के सारे चूहों को हिप्नोटाइज करके उन्हें पास के नाले में गिरा देता है, जिससे गांव वाले केत से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली केत ने गांव वालों को चूहों के आतंक से बचा लिया था। गांव वाले केत के इस काम से खुश होकर उसे पैसे भी देते हैं। अगले सीन में हम सारे चूहों को नाले के दूसरी तरफ निकलते हुए देखते हैं, और अगले पल वहाँ पर केत और मॉरिस भी आ जाते हैं। दरअसल ये सभी लोग आपस में मिले हुए थे और गाँव वालों से पैसे लेने के लिए ये सब किया था। अब एक चूहा केत से मिस्टर बंजी की स्टोरी बुक ले लेता है और सभी को मिस्टर बंजी की उस स्टोरी के बारे में बताता है, जिसमें बंजी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसे आइलैंड की खोज की थी जिस पर सारे जानवर खुशी से रहते थे। वो चूहा अपने सभी साथियों को एक साथ मिलकर उसी आइलैंड की खोज करने के लिए कहता है, जिसकी खोज मिस्टर बंजी ने की थी ताकि वो लोग भी खुशी से अपनी जिंदगी जी सके। चूहों की बात सुनकर मॉरिस उन्हें बताता है कि मुझे उस आइलैंड के बारे में पता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक नाव की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास ना तो नाव और न ही उसे खरीदने के लिए पैसे, इसीलिए हम सबको सबसे पहले मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे। सारे चूहे मॉरिस की बात से एग्री करते हैं। अगले सीन में हम मलिकिया को देखते हैं, जो ये कहानी सुना रही है, और वो बताती है कि इन चूहों को नहीं पता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि मॉरिस उन सभी से झूठ बोल रहा है और उसे आइलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगले सीन में हम सिटी के मेयर को देखते हैं, जो चूहे पकड़ने वाले दो लोगों को चूहे पकड़ने के बदले पैसे दे रहे थे, लेकिन इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे कि जब टाउन में एक भी चूहा नहीं है तो टाउन का खाना कैसे चोरी हो रहा है। अब यहाँ पर चूहे पकड़ने वाले गैंग का लीडर मान भी आ जाता है, जो दिखने में एक आम इंसान से काफी ज्यादा अलग था। मान मेयर से पैसे लेते हुए कहता है कि ये देखना मेरा काम नहीं है। मेयर मान को देख कर डर जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा अलग और डरावना लग रहा था। अगले सीन में हम सभी चूहों को देखते हैं, जो टाउन के सीवर लाइन से होते हुए टाउन के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मॉरिस केत के साथ टाउन के मेन दरवाजे से टाउन के अंदर आता है, लेकिन वो दोनों ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे कि टाउन में उनके सिवा और कोई नहीं है। अब मॉरिस को खाने की खुशबू आने लगती है, और जब वो खाने की स्मेल का पीछा करते हुए एक किचन में आता है तो मॉरिस के साथ साथ केत भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों मलिकिया से मिलते हैं। मलिकिया मॉरिस और केत से मिलकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती, और वो उन दोनों को खाने के लिए खाना देती है। मलिकिया उन्हें बताती है कि वो टाउन के मेयर की बेटी है, और साथ ही उसने सारी स्टोरी बुक पढ़ी है, जिसकी वजह से उसे पता है कि कुछ भी हो सकता है और एक केट बोल भी सकती है। मलिकिया मॉरिस और केत को साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है, जिससे मॉरिस और केत बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम चूहे पकड़ने वालों के लीडर को देखते हैं, जो बहुत अजीब तरीके से खाना खा रहा था, और अपने दोनों साथियों को बोलता है कि मुझे पता चला है कि टाउन में बहुत से चूहे आए हैं और मुझे वो सारे चूहे चाहिए। बॉस की बात सुनकर उसके दोनों साथी चूहे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम सारे चूहों को देखते हैं, जिन्हें टनल में एक ट्रैप दिखाई देता है, जिसमें चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए स्वादिष्ट खाना रखा गया था। अब क्योंकि इन चूहों ने पहली बार किसी ट्रैप को देखा था, इसीलिए उन्हें ट्रैप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और चूहों का लीडर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे सारे चूहे बहुत दुखी होते हैं, और अब उनके सामने और भी बहुत से ट्रैप थे। अगले सीन में हम मलिकिया को मॉरिस और केत के साथ देखते हैं, जो चुपके से दोनों चूहे पकड़ने वालों के घर आ गए थे। चूहे पकड़ने वाले अपने घर पर नहीं थे, जिसके बाद मलिकिया पूरे घर में इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जिसके दौरान गलती से वो एक अंडरग्राउंड और सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल देती है। केत उस रूम के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद मलिकिया और मॉरिस भी अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक सीक्रेट रूम में बहुत सारा खाना स्टोर करके रखा गया था, यानी कि टाउन में चोरी होने वाला सारा खाना यहीं पर रखा गया था। लेकिन इतने सारे खाने को किसने चुराया और यहाँ पर क्यों रखा, यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा।
अब इन्हें चूहों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और जब मलिकिया मोरिस और कैथ के साथ उस जगह पर आती है तो देखती है कि चूहे अपने लीडर के ट्रैप में फंसने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे और वो मदद के लिए ट्रैप में फंसे अपने लीडर को लेकर मलिकिया के पास आते हैं। मलिकिया किसी तरह बहुत मुश्किल से चूहों के लीडर को ट्रैप से आजाद कर देती है, जिससे सारे चूहे बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर दोनों चूहे पकड़ने वाले भी आ जाते हैं, जो मलिकिया के साथ ही कैद और सभी चूहों को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन मोरिस किसी तरह वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। चूहे पकड़ने वाले सारे चूहों को पिंजरे में कैद कर देते हैं और मलिकिया कैद को बांध कर रखते हैं। इसके बाद हम मोरिस को देखते हैं, जो मौका पाकर अपने दोस्तों को बचाने के लिए आ जाता है। मोरिस किसी तरह सबसे पहले अपने चूहे दोस्तों को छुड़ाता है, जिसके बाद चूहे मलिकिया और कैद को भी आजाद करा लेते हैं। अब एक चूहा जब मलिकिया के उस कहानी का जिक्र करता है जिसमें मिस्टर बंजी ने एक ऐसा आइलैंड ढूंढा था जिस पर सारे जानवर मिलजुल कर रहा करते थे, तो मलिकिया उस चूहे को बता देती है कि इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कहानी है। मलिकिया की बात सुनकर वो चूहा बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कहानी बिल्कुल सच है। इसके बाद वो चूहा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और उसका साथी उसके पीछे जाता है। मोरिस और कैथ बाकी के चूहों को समझाते हैं कि उन्होंने ऐसा उन सभी का दिल रखने के लिए किया था। वहीं दूसरी तरफ अब चूहे जब मलिकिया को बताते हैं कि उनका एक साथी गायब है, तो मलिकिया कैथ और मोरिस के साथ उन दोनों चूहे पकड़ने वालों के पास जाती है और उनको बताती है कि मैंने तुम दोनों के खाने में जहर मिला दिया था, इसीलिए अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते हो तो उस चूहे के बारे में बता दो। हालांकि मलिकिया ने उन दोनों के खाने में कोई जहर नहीं मिलाया था, वो तो सिर्फ उन दोनों को जहर की बोतल दिखाकर डरा रही थी। मरने के डर से चूहे पकड़ने वाले इन्हें गायब हुए चूहे की लोकेशन बता देते हैं और साथ ही वो दोनों इन्हें ये भी बताते हैं कि उनका बॉस कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, जिसके बारे में इन्हें जंगल में पहुंचने के बाद पता चल जाएगा। चूहे पकड़ने वालों की बात सुनकर मलिकिया और के जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, ताकि चूहे पकड़ने वालों के बॉस का प्लान जान सके और मिसिंग चूहे की जान बचा सके। वहीं दूसरी तरफ टनल के अंदर गुस्से में भाग रहे चूहे को बहुत ही अजीब फील होने लगता है और अगले पल उसके पीछे कुछ चूहों के हाथ उसकी तरफ बढ़ते हैं और उस चूहे को अपनी तरफ खींच लेते हैं। उस चूहे का साथी ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाता है। अब मोरिस मौका देकर चूहे पकड़ने वालों के सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं सारे चूहों ने मिलकर अपने मिसिंग साथी को बचा लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी फीमेल साथी को किसी मिस्टीरियस हाथों ने किडनैप कर लिया है। अगले सीन में मलिकिया और खेत को देखते हैं, जिन्हें जंगल में एक मिस्टीरियस घर दिखाई देता है जिसमें एक लड़का रहता था और वो सच में अपने मैजिकल फ्लूइड की मदद से जानवरों को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद हम उस चूहे को देखते हैं जिसके साथी को कुछ मिस्टीरियस चूहों के हाथों ने किडनैप कर लिया था। वो चूहा अपने साथी को खोजता हुआ टाउन के मेयर के ऑफिस में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि चूहे पकड़ने वालों का लीडर टाउन के मेयर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। बॉस मान उस चूहे को भी अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है, लेकिन वो चूहा लगातार अपने साथी के बारे में पूछे जा रहा था, जिसकी वजह से फाइनली बॉस मैन उस चूहे को उसकी साथी को दिखा देता है, जो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन बॉस मैन उस चूहे को छोड़ता नहीं है, बल्कि एक रिचुअल करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे चूहे जाने लगते हैं और उसका साइज बढ़ने लगता है। अब इससे पहले कि बॉस मान उस चूहे को भी कोई नुकसान पहुंचाता, वहाँ पर मोरिस भी आ जाता है, जो उन दोनों चूहों को किसी तरह बहुत मुश्किल से बचा लेता है और उन दोनों को लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है, जहाँ पर उन्हें बाकी के चूहे भी मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मलिकिया और कैथ को देखते हैं, जो छुपकर उस लड़के की फ्लूइड चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो लड़का नींद से जाग जाता है और कैथ को देखकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद जब कैथ होश में आता है तो देखता है कि मलिकिया अकेले ही उस लड़के से लड़ने की कोशिश कर रही थी। अब वो लड़का अपनी मैजिकल फ्रूट की मदद से कैथ और मलिकिया को हिप्नोटाइज करके उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि इन दोनों को कोई नुकसान पहुंचाता, उस लड़के के पेंट के अंदर एक टॉय चला जाता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटकने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर मलिकिया और कैथ उस मैजिकल फ्लूइड को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम सारे चूहों और मोरिस को देखते हैं, जो अब किसी तरह टाउन से भागना चाहते हैं, लेकिन चूहे पकड़ने वालों का बॉस दरवाजे पर ही खड़ा था। इसके बाद बॉस मान एक अजीब तरह का रिचुअल करने के दौरान मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से सारे चूहे एक एक करके बॉस मैन के ड्रेस के अंदर जाने लगते हैं, जिससे उसकी साइज और पावर दोनों बढ़ने लगती है। अब सिर्फ मोरिस ही चूहों को बचा सकता था, क्योंकि एक कैट होने की वजह से बॉस मैन के रिचुअल का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं
पढ़ रहा था, चूहे मोरिस से खुद की जान बचाने के लिए मदद लाने को कहते हैं, जिसके बाद मोरिस वहाँ से मदद लेने के लिए निकल जाता है ताकि बॉस मेन से अपने चूहे दोस्तों को बचा सके। जंगल में मोरिस को मलिकिया और खेत मिल जाते हैं, जिसके बाद मोरिस उन दोनों को सारी बातें बताता है कि किस प्रकार चूहे पकड़ने वालों का लीडर अपने मैजिकल पावर की मदद से सारे चूहों को अपने अंदर समाकर अपनी पावर और साइज दोनों बढ़ा रहा है। मोरिस की बात सुनकर केत और मलिकिया जल्दी से चूहों के बॉस मान से चूहों को बॉस मान से बचाने के लिए टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। टाउन में आने के बाद ही देखते हैं कि बॉस मान ने अब तक सारे चूहों को अपने अंदर ले लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। केत अपने मैजिकल बांसुरी की मदद से सारे चूहों को वापस बुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस बांसुरी की मदद से किसी भी जानवर को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन केत की बांसुरी का बॉस मान के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केत बांसुरी को ठीक से बजा नहीं पा रहा था। अब बॉस मान मलिकिया पर हमला कर देता है, जिससे मलिकिया घायल होकर बेहोश हो जाती है और बॉस मान बाकी के बचे हुए चूहों को भी अपने अंदर खींचने लगता है। अब केत किसी तरह बहुत मुश्किल से मलिकिया को वापस से होश में लाता है। इस समय केत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बॉस मान को कैसे हराया जा सकता है, लेकिन जब मलिकिया केत को विश्वास दिलाती है कि वो अपने मैजिक फ्लूइड की मदद से बॉस मान को हरा सकती है, तो केत के अंदर एक बार फिर से जोश आ जाता है और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बांसुरी बजाता है। इस बार सच में केत की मैजिकल बांसुरी अपना काम करती है और एक एक करके बॉस मैन के अंदर से सारे चूहे बाहर निकलने लगते हैं और लास्ट में सिर्फ कुछ चूहे ही बचते हैं, जिसकी पूंछ आपस में किसी पावरफुल एनर्जी सोर्स के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से जुड़ गई थी और अब वो सब एक थे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बॉस मैन कोई इंसान नहीं, बल्कि बहुत से चूहों से मिलकर बना हुआ एक इंसानी रूप था, जिसे पूंछ की वजह से आपस में जुड़े हुए चूहे कंट्रोल करते थे। चूहों को आपस में जोड़ने वाली एनर्जी सोर्स मैजिकल पावर की मदद से अपने आसपास के सभी लोगों को फ्रीज कर देती है, लेकिन एक चूहे पर उस एनर्जी सोर्स की पावर का कोई असर नहीं होता और वो एनर्जी सोर्स को डिस्ट्रॉय करके सब कुछ पहले की तरह ठीक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एनर्जी सोर्स उस चूहे को मार देती है। मोरिस को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो चूहा मोरिस का दोस्त था और वो पूरे गुस्से में किसी तरह खुद को आजाद करके उस एनर्जी सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे चूहे आपस में जुड़े हुए थे। मोरिस ऐसा करके अपने सभी चूहे दोस्तों की जान को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी मारा जाता है। मौत के देवता जब मोरिस को बताते हैं कि केट होने की वजह से तुम्हारी 9 जिंदगियों में से सिर्फ 5 जिंदगियां ही बची हुई है, यानी कि मोरिस इससे पहले भी 3 बार मर चुका था। मोरिस मौत के देवता से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी 2 जिंदगियां लेकर मेरे चूहे दोस्तों को जिंदा कर दो। मौत के देवता मोरिस की इस बात को मान लेते हैं और उसकी 2 जिंदगियां लेकर उसके चूहे दोस्त को फिर से जिंदा कर देते हैं। मोरिस ये देखकर बहुत खुश था। मलिकिया और केत भी मोरिस को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।